Devina and welcome back to my channel, The Happiness Cocktail. I hope you all are doing fine. So guys, today is a vlog. Today is 23rd of November. आज का जो दिन है, आज बहुत सारा काम है मुझे you guys, और मैं vlog भी कर रही हूँ. That is additional work you guys, but I love to capture the moment. I love to capture the moment around. तो अभी आज का दिन मेरा, आज का मैं आपको टास्क बता देती हूँ. सबसे पहला टास्क ये है कि मुझे पैकिंग करना है, और पैकिंग ऑन प्रायोरिटी देवांग की करनी है. बिकॉज आई टेल यू कि टुमारो 24th ऑफ नवंबर हम लोग निकल रहे हैं एमपी के लिए. एमपी में देवांग का प्रोग्राम है, क्योंकि विपिन की जो फैमिली है, मेरे इन-लॉज, वो एमपी के हैं. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कुछ रखे हैं, तो वो उसका व्लॉग भी मैं डालूंगी. सो स्टे ट्यून्ड यू गाइस. और भरो करके कुछ होता है, 12 दिन का होता है. 12 दिन में बच्चा जब पैदा होता है तो 12 दिन में होता है, बट 12 दिन में नहीं हो पाया बिकॉज वी वेयर हेयर और मेरा सिजेरियन हुआ है. तो इट्स क्वाइट अ रिस्की थिंग. तो अभी सब प्लान किए हैं, अभी सबको टाइम मिला है, तो अभी कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द गुड टाइम. मतलब ज़्यादा ठंड ना गर्मी. तो या 25th को उसका प्रोग्राम है, तो हम लोग 24th ऑफ नवंबर टुमारो जो है निकल रहे हैं सुबह सुबह. उसका व्लॉग अलग रहेगा, सब कुछ मैं डालूंगी. सो स्टे ट्यून्ड यू गाइस. और आज का मेरा टास्क, कमिंग बैक टू द टास्क कि आज का मेरा ये टास्क है कि मुझे, मैंने लिस्ट डाउन किया, आई विल शो यू. मैं उसी को देख रही थी जस्ट, यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किया है सारी चीज़ें जो मुझे करनी है. क्योंकि मैं बच्चे के साथ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज़ लाइक अ बिगेस्ट ट्रैवल. मतलब इतना लॉन्गेस्ट ट्रैवल हम लोगों ने नहीं किया है. इट्स लाइक 500 किलोमीटर्स. और बच्चे के साथ करना, मतलब हम लोग 100 कर चुके हैं अभी तक. अभी हम लोग 100 गए थे अप एंड डाउन एक दिन में. सो काफ़ी अच्छा था वो हमारा एक्सपीरियंस. और अभी हम लोग 500 किलोमीटर्स कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट बिग वन, यू नो. तो हम लोग का यही प्लान है कि हम लोग सब कुछ अच्छे हो, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाए. और क्योंकि काफ़ी ठंड है, एमपी में बहुत ठंड होती है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ठंड नहीं है. तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मुझे उसके लिए, उसके हिसाब से प्रॉपर प्रिकॉशन लेके चलना है देवांग के लिए, बिकॉज ही इज़ 4 मंथ ओल्ड, यू नो. और कमिंग टू द 4 मंथ, उसका मुझे आज फोटोशूट भी करना है, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाऊँगी. कल उसका 4th मंथ बर्थडे होगा, और मेरे को आज ही करना है, तो कल, ताकि मैं पोस्ट कर पाऊँ. मैं हर मंथ उसका उसका फोटोशूट करती हूँ, और मैं उसके इंस्टाग्राम में अपलोड करती हूँ. यू गाइज, इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन फॉलो हिम. हिज हैंडल इज देवांग सिंगर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑल्सो. माइन इज द हैप्पीनेस कॉकटेल, यू नो. तो वही मुझे यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किया, मैं आपको बताती हूँ टुडेज टास्क. सो फर्स्ट टास्क विल बी द पैकिंग वन. ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, सबसे प्रायोरिटी में मुझे वो कम्प्लीट करना है. एंड सेकेंड वन, हम लोग मेरी सिस्टर इन लॉ के घर रुकने वाले हैं, तो मैं सोची उनके लिए कुछ लेके जाऊँ स्पेशल. मिठाई तो मेरी मम्मी लोग भेज रहे हैं, तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, कुछ अच्छा सा. लेट्स सी क्या लेती हूँ, मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी. और सेकेंड, आई टोल्ड यू माई BFF बर्थडे इज़ देयर टुडे. तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी रायपुर SBI में काम करती है, तो मैं सोची कि अब मेरे घर, मतलब रायपुर में ऐसा होता है कि सब कुछ पास होता है, तो मैं सोची कि उससे मिलने चले जाती हूँ थोड़ा. मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा उसके साथ बैठूँगी, तो उसका स्पेशल डे है, तो उसको भी अच्छा लगेगा. तो उसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है, तो उसका मैं वो व्लॉग करूँगी. तो मुझे गिफ्ट लेके परिधि के प्लेस जाना है, वो मैग्नेटो मॉल के आसपास नहीं रहती है, तो वहाँ जाना है मुझे. देन 4th पॉइंट इज़ द देवांग्स फोटोशूट करना है. उसके बाद मुझे ऑन प्रायोरिटी सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, ये सारे ऑफलाइन, मतलब तो डाउनलोड करके रखना है ऑफलाइन में, ताकि हमारा नेट ना चले, तो वी कैन लिसन इट थ्रू अवर जर्नी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है अदरवाइज. और देन मुझे देवांग के सारे चीज़ें जो भी सैनिटाइज करने होते हैं, वो मेरे को सैनिटाइज करके पैक करना है. एंड देन कमिंग टू दैट, सारा जो सामान है उसको मैं कार में जाके रख भी दूंगी आज शाम, आज रात तक, ताकि कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाएँ. तो ये सारा आज का टास्क है. सो लेट्स, और भी कुछ ऐड होंगे, आई एम नॉट रिमेम्बर. ओके, आई हैव टू चार्ज ऑल माई गैजेट्स, यू नो. माई कैमरा, इसकी 2 बैटरी है. माई बोर्ड का एक्सटेंड है, बहुत ही सही लगा मुझे. तो आप देखना इसका वीडियो जाके, आपको अगर लेना होगा कोई अच्छा स्मार्ट वॉच, सो यू कैन चेक इट आउट. इट्स ऑफ 3000 रुपीज़, यू नो. बाकी मैंने सारा स्पेसिफिकेशन उसमें वीडियो में शेयर किया है. सो या, लेट मी राइट इट डाउन एज वेल कि मुझे चार्ज करना है. एंड या, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत सारा काम है यू गाइज. सो गाइज, देवांग का मैं अभी सबसे पहले सामान उठा के रखी हूँ, बिकॉज उसका प्रायोरिटी होता है एज आई टोल्ड यू. तो ये सारा मैं आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट फर्स्ट, क्या क्या चीज़ मैं कैसे कैरी कर रही हूँ. तो ये ब्लैंकेट है, एक और ब्लैंकेट मैं रखूँगी, उसके पास 2 ब्लैंकेट है. और ये टॉवल एक रख रही हूँ, और ये सारे कपड़े बहुत काम आते हैं. ये मेरे कपड़े कम पड़ गए थे अभी सुकृति की शादी में, तो ये 3 एक अच्छा है, और बाकी थोड़ा ऐसा टाइप का कपड़ा है. तो ये मैं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है.
फिर उसके बाद मैं ये थोड़े ये नैपकिन रख रही हूँ, नैपकिन मुझे और लगेंगे अभी, मैं और निकालूँगी, सूख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है बच्चों को क्योंकि दूध गिराते हैं और ये सब तो ये सारे भी छोटे छोटे कपड़े और रख रही हूँ मैं, ये और रहेंगे और जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं गाइज। और ये इसके क्लॉथ डायपर हैं, ये जब हम लोग पहुँच जाएंगे या वहाँ पर घर में बनाने के लिए, और फिर क्योंकि क्लॉथ डायपर ही मैं प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू जो प्लास्टिक डायपर होते हैं उसमें। और फिर ये वाइप्स रख रही हूँ, ये एक दीवान के बैग में रहेगा, ये मेरे बैग में रहता है क्योंकि अगेन बहुत ज़रूरत पड़ता है। देन ये एक ऐसा वाला बैग है, ये ट्रैवल बैग है, और इसको मैं एक और ऐसा वाला बड़ा रखूँगी, इसमें गंदे कपड़े हो गए या जो भी छोटे छोटे कपड़े सारे इसमें डाल दूँगी। और फिर उसके बाद एक ये है, ये वाटरप्रूफ होता है, एक ये शीट रख रही हूँ मैं और इन केस ऑफ चेंजिंग टाइम के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ये, और एक ऐसा वाले दो रख रही हूँ, ये काफ़ी सही है, ये फर्स्ट का ऐसे बेबी हक का कंपनी का है, बहुत सही है, सॉफ्ट। सारे सामान रख रही हूँ उसके साथ, बॉडी वॉश है इसमें, बॉडी वॉश और शैम्पू, बॉडी वॉश शैम्पू दोनों से मिक्स है, और ये एक मसाज ऑयल है, मॉइस्चराइजर की जगह मैं मसाज ऑयल ही लगाऊंगी क्योंकि अभी ठंड है वहाँ बहुत ज़्यादा। और फिर ये एक पाउडर रख रही हूँ मैं उसके लिए, और ये पैरास्टामॉल है, इट्स मैंडेटरी हुआ गाइस, मतलब कभी भी बच्चे को मतलब कुछ हुआ तो। और ये काजल का एक डब्बा है, मिठाई इसमें जैम था उसमें काजल रखा हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मॉस्किटो रिपेलेंट है, मैं इसको लगा लो तो मॉस्किटो नहीं काटेगा। और ये कैप और सूख रहे हैं, और कैप रखना है मुझे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस, वहाँ बहुत ठंड है। और ये सारे लोअर्स रख रही हूँ मैं दिमाग के, फुल लोअर्स हैं ठंड के कारण, और ये कुछ टी शर्ट कम ही रख रही हूँ मैं, और बाकी ये जंपसूट टाइप के जो ही पहनाती हूँ, तो देखती हूँ मैं कैसे इसको मैनेज करती हूँ। बाकी फुल शर्ट्स आई कैन सी हियर। के बाद ये इसके शॉर्ट्स हैं सारे, ये थोड़े मोटे वाले शॉर्ट्स हैं घर पहनाने के लिए, और ये थोड़े ऐसे वाले, और ये सारा उसका फुल स्लीव्स के हैं, अभी बहुत ठंड है वहाँ पर। और एक ये दो स्वेटर ले जा रही हूँ मैं, ये एक बंडल पे है, ये बहुत ही क्यूट है, आई विल शो यू, मेरी मॉम ने ऑर्डर किया था ये फ्लिपकार्ट से, काफ़ी सही है, क्यूट सा है ये। और एक ये स्वेटर है, इसका भी पूरा है टोपा ओपा वगैरह, वो भी ले जाऊंगी। और ये इतने सारे मैं सॉक्स ले जा रही हूँ, जितने सॉक्स है लगभग सारे ही ले जा रही हूँ मैं, तो उसके लिए कुछ ही छोड़ूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ता है और सॉक्स का। सो या और थोड़े से स्नैक्स, ये सारा मैं अपना सामान बाद में दिखाऊंगी। और अभी ये मैं सामने रखी हुई हूँ लैक्टोजन, जो उसका वो होता है ड्यू पाउडर का, एमरजेंसी के लिए, और बॉटल वॉटल रखना भी बचा हुआ है हमारा। सो या सो गाइज, मैंने मेरा और दिवांग का हो गया है यहाँ पर, यहाँ मैंने सारे अपने कपड़े और एक बस विपिन का कुर्ता है रखा है, विपिन अपना अलग सामान ले जा रहा है, तो ये साड़ी वगैरह है जो दो साड़ी मैं और लोअर वापसी के लिए, ये सारी चीज़ें रखी हूँ मैं पैक करके ऐसा। और यहाँ दिखाती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉलीथीन है, और एक ये हगिज का भी मुझे मेरा ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने सारे यहाँ डाल दिए, तो मैंने ये रख लिया है क्योंकि ये काम आ सकता है पॉलीथीन। और ये ऐसा कपड़े सारे यहाँ पर कपड़े रखे हैं, और ये उसका जो वो नीचे बिछाने वाला ना, काफ़ी सॉफ्ट है, ये रखा है मैंने यहाँ। और यहाँ पे फिर ये कपड़े, ये इसमें सॉक्स हैं ऐसे रखा है मैंने, और यहाँ पर पूरे डायपर हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डायपर का यूज़ आने वाला है, इधर सारे कपड़े हैं, फिर उसके इधर सारे कपड़े, यहाँ पूरे डायपर्स रखे हुए हैं मैंने, तो इस तरीके से मैंने इसका पैक कर दिया सारा सामान यहाँ पर। अब बस हमें करना है इसे लॉक। टॉयलेटरीज पैक कर रही थी, आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू एज वेल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं रख रही हूँ अपने बैग पे, आई विल शो यू क्विकली। तो पैड है एक, पता नहीं कभी भी यूज़ आ सकता है, और ये मेरे ब्रेस्ट पैड हैं क्योंकि मिल्क कभी भी फ्लो करता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये बॉडी वॉश रख रही हूँ एक, काफ़ी बड़ा है, छोटा मुझे मिला नहीं। फेस वॉश ये मेरे बैग में रहेगा, इसको यहाँ नहीं रखती। और ये टैबलेट है स्नीजिंग और कफ क्या जो भी है, पोदीनहारा का एक टैबलेट है, बैंडेज है बिकॉज यू नेवर नो, और एक सोप है, ये कहीं से मिला था उसका सोप है, ब्रश, काजल, और एक ये मॉइस्चराइज़र है, ये मेरा बहुत टाइम से चल ही रहा है, यहीं से ही मैं रह करता है, प्राइमर बिकॉज कभी कभी बहुत काम आता है, ये है सिंदूर, कॉम मैं अलग कैरी कर रही हूँ, उसके बाद ये मेकअप फिक्सर है मेरे पास, और ये डाल रही हूँ क्योंकि मेकअप रिमूव करना है, और उसके लिए ये एक है ब्रश, मैं एक ही कैरी कर रही हूँ। उसके बाद ये कंसीलर, यू गाइस, मस्तारा
अभी यूज़ आ गया तो एक ये लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक एक ही इसमें और एक मैं मेरे बैग में, बस एक टिश्यू पेपर, विक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, इसको भी मैं अपने बैग में अपने साथ रखूँगी, और एक ये है फाउंडेशन। तो ये पैक हो चुका है पूरा, इसमें सब कुछ आ गया है। सो या यू गाइस, और उसके बाद मेरे ये बैग में मैं क्या रख रही हूँ ये बता देती हूँ। एक मैं बैग की अलग कैरी कर रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है सैनिटाइज़र, उसके बाद बाथरूम जाने के लिए पी सेफ, उसके बाद माउथ फ्रेशनर और बेबी वाइप्स, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने बच्चों को छूती हूँ तो इसको इससे धो के ही छूती हूँ। और एक ये गॉगल, ये गॉगल है कि हाँ ये मेरा गॉगल है, ये पावर गॉगल है, तो कार चलाने में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके बाद ये मास्क रखी हूँ, दो तीन मास्क है मेरे इसमें ही रखा है मैंने। उसके बाद मेरा क्लच, इसमें ज़रूरी सारी चीज़ें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ कैश, ज़्यादा कैश कैरी करते नहीं हम लोग। फिर एक ये रखी हूँ, ये मेरा पावर वाला है, ये मैंने न्यूली लिया है, काफ़ी सही है, एज यू कैन सी हियर, बहुत ही सही मिला मुझे ये, आई रियली लाइक इट। और ये कैरी किया मैंने टिश्यू पेपर अगेन, बिकॉज यू कॉन्ट गेट इनफ ऑफ टिश्यू पेपर। एक पेन रखा है और एक ये परफ्यूम, हैंड परफ्यूम है, हैंड स्प्रे परफ्यूम जो भी बोलते हैं, मिनीसू का है, काफ़ी सही है, बहुत हेल्प करता है यार ये सही में ट्रैवल में। और पीछे में थोड़े कैश रखे हुए हैं, पिन है, सेफ्टी पिन, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस, बोरोलिन का, और सेफ्टी पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्स है, और एक हैंड वॉश है, और एक हैंड टॉवल रहेगा मेरा, अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ यहाँ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब कभी भी हैंडी होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें हैं। और ये वाला कर रही हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो ये काफ़ी यूज़ में आ जाता है, और इसमें आप अपने आप को देख भी सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। और एक लिपस्टिक ये वाला ही मैं कैरी कर रही हूँ, सो ये मैं कैरी कर रही हूँ, काफ़ी सही रॉन्ग का बैग है ये, मैंने फर्स्ट क्राई के शॉप से लिया था, मैं इसको लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट, बहुत सही है। इसमें सिर्फ दिवांग के चीज़ें होते हैं, हम लोग अपना कुछ भी सामान नहीं रखते हैं, सो दिस इज़ वेरी नाइस। और एक ये कपड़ा मैं कल से पहनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ रखा है, एक सॉक्स होगा या दिस सॉक्स विद दिस, तो ये इसका सेट है। और इसको मेरे को फिर से सैनिटाइज़ करना है, और एक और बॉटल है वो रखना है, मुझे तीन बॉटल रहेंगे। सो एज वन सी हियर साइड में इसका एक बेबी वाइप्स रखी हूँ मैं, बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये रखा है मैंने बहुत ज़्यादा ओडोमॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ सामने में कुछ सैनिटाइजर, सॉरी कुछ डायपर ही रखे हैं मैंने, अभी सारे नहीं रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना काफ़ी रहेगा कल के लिए आई फील। कुछ पॉलीथीन, यहाँ पर कपड़े वाले डायपर रखे हैं मैंने, यू नेवर नो करके कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और उसके नीचे में एक स्वेटर रखा है, क्योंकि अगर हम लोग कल शाम वाम हो गया है जो भी है, तो एक स्वेटर रखा है। और यहाँ पर और उसके कपड़े, दो एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ रखे हैं मैंने निकाल के। और यहाँ और डायपर्स हैं, और ये उसका मिल्क पाउडर है, और गर्म पानी हम लोग लेके जाएंगे। और ये सारा डायपर मैं बोल रही थी, जो ये सारा मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। और फिर इधर रखा है मैंने ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो हैं काजल है, उसका पाउडर है, और फिर ये बॉडी वॉश है, और ये मसाज ऑयल है। सो ये सारा उसका पैकिंग होगा इस बैग में। लोग इतने सारे स्नैक्स ले जा रहे हैं, ये थोड़ा पीनट्स हैं, ये काला चना है, और ये एक बनाना चिप्स और ड्राई फ्रूट्स अभी मैं रोस्ट कर रही हूँ, बस इतना ही रहेगा हमारे पास खाने का रास्ते के लिए। या मोर अपडेट आई हैव फॉर गाइस, कि हम लोग, मेरा जो मैं बता रही थी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसको ऑफिस से आने में लेट हो गया, एज आई टोल्ड यू कि शी इज़ वर्किंग इन SBI, तो उसको लेट हो गया आने में, तो हम लोग का वाला प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग अभी बाद में मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी हड़बड़ी बहुत ज़्यादा थी, और ठंड भी शाम को भी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो हम लोग ने फिर प्लान किया कि हम लोग कभी आराम से मिलेंगे, उसका मैं ब्लॉक करूँगी ऑफकोर्स, सी बात है। तो वो वाला प्लान कैंसिल हो गया, और मैंने गिफ्ट ले लिया है ऐसे ही जाके पास वाले दुकान से, तो वो चीज़ें हो गई है। और फिर बस यही रहेगा सारा कुछ मेरे ख्याल से, मैं यहाँ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। विबिन, यू वॉन्ट टू शो वॉट यू आर कैरिंग इन योर बैग? नो, ही डोंट वॉन्ट टू शो, ही इज़ वेरी बिजी। और हम लोग अभी कार में अपना सेटअप करेंगे, वो सारी चीज़ें करना है, और सैनिटाइज करना है, और मुझे एक वीडियो एडिट करना है, तो वो अभी का बचा हुआ है। बट मैं सोची कि ये व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ है नहीं दिखाने को, और मैं कल नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, रोड ट्रिप रहेगा पूरा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, कि वो जल्दी अप होगा। एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू सून, बाय।